कैसे हो सर? हाँ बस बढ़िया भैया। तो आज बेर का क्या बाजार रहा है सर? आज बेर में थोड़ा सा उठाव है, बिकने लगा है। कल परसों तक 25-26 बिक रहा था, आज 30 रुपये 32 रुपये बिका है। अच्छा जी, हाँ जी, आज चोम वाला है ये और ये 30-32 बिक रहे हैं। उठाव बहुत ठीक बढ़िया। है, शिवरात्रि का थोड़ा सा माहौल है, उस वजह से ही थोड़ा उठाव है। ज्यादा उठाव तो नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मली तरीके से बिकने लग अभी गया। एक दो दिन और रहेगा सर, जब तक शिवरात्रि है ये तब तक। 8 तारीख तक तो धमाके से चलेगा, 8 तारीख बाद में फिर वापस रेटे डाउन हो जाएंगी, 12-13-15-20 रुपये बिकने लग अच्छा जी, जाएगी। अच्छा जी, अब ठीक है बाजार। हाँ, अब नॉर्मली है। और इसमें मेरी एक आपसे ये गुजारिश थी, हाँ जी सर, बताओ। सभी बंधुओं से विनती है मेरी कि जितने भी हमारे व्यापारी गण जो हैं, हमारे से जो माल की खरीदारी करते हैं व्यापारी, उन लोगों को जो भी लॉस होता है वो मंडी छोड़ देते हैं, मंडी नहीं आते हैं। हम सभी आरतीयों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि हम सब लोग मिलके उन व्यापारियों को वापस लाने की कोशिश करें और व्यापारी को थोड़ा सपोर्ट करें कि व्यापारी टिके रहे। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअल में क्या होता है, आज मैं किसी को उधार दे रहा हूँ, वो पैसा टाइम से नहीं दे रहा तो मुझे गुस्सा आता है, मुझे बुरा लगता है और मैं उसके साथ में गलत व्यवहार करता हूँ। तो हर इंसान अपनी इज्जत की वजह से, अपनी इज्जत को बचाने के लिए फिर वो मार्केट में नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, और मार्केट में नहीं आता तो हमारा पैसा रिफंड नहीं हो पाता। बिल्कुल सर, और पैसा रिफंड नहीं होता तो वही चीज़ें हो जाती हैं कि व्यापारी चोर हो गया। बिल्कुल तो सर, इससे अच्छा क्यों ना हम लोग इस चीज़ को ये करें कि व्यापारी को वापस लाने के लिए हम लोग उसको टाइम दें, थोड़ा वक्त दें और उसको टाइम टेबल देके और फिर उसको वापस से मार्केट में लाएं, तो हमारा पैसा धीरे धीरे करके वो कमा के भी दे देगा। बिल्कुल, क्योंकि व्यापारी नहीं होगा तो सर फिर, और व्यापारी अगर हमारा चला जाएगा, व्यापारी नहीं रहेगा तो यही बोर जो आज मैं 32 रुपये बेच रहा हूँ, यही मेरे को 5 रुपये किलो बेचना पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसीलिए व्यापारियों को वापस लाने की एक ऐसी स्कीम बनाए, एक तरीका बनाए और सब लोग उसको टाइम भी दें। बिल्कुल, यही मेरी सब व्यापारियों से, सब आढ़तियों से गुजारिश है कि उनको एक कोई ना कोई तरीका बना के उनको वापस बुलाओ व्यापारियों को। बिल्कुल, भगाओगे बेर में नहीं, हर उसमें हो रहा है सर। हर एक चीज में, ये प्रत्येक चीज में लागू होता है, ये कोई बेर की कहानी नहीं है। ये गाजर में भी है, भिंडी में भी है, करेले में भी है, मूली में भी है, आलू प्याज में भी है, फ्रूट में भी यही हाल है। पर सर उनकी भी क्या मजबूरी हो जाती है कि लोग है ना, अच्छा मजबूरी करके इतना पैसा उधार चढ़ा देते हैं, उसके बावजूद माना मैंने कि वो उधार चढ़ा दिया, आप व्यापारी को गाली दोगे, थप्पड़ मारोगे, उसके साथ गलत व्यवहार करोगे तो आप उससे ले चलोगे, वो घर बैठ जाएगा। ये बात तो है, अगर कल को वो कारोबार चेंज कर देगा, कल को वो फैक्ट्री जाने लग जाएगा, बिल्कुल वो पहले बेलदारी करने लग जाएगा, तो वो पैसा थोड़ी ना चुका देगा। उसको वापस से लाओ, उसके साथ व्यवहार अच्छे रखो, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब वो अपने आप ही थोड़ा थोड़ा करके अपने आप देने लग जाएगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शर्म उसके मुंह पे आपके और मेरे नहीं है। और 1-2% होते हैं जो चोर होते हैं सर, वो चोर वाली तो कहानी अलग है। चोर तो अपने आप ही दिखा देता है कि मेरा नाम चोर है। बिल्कुल बिल्कुल, चोर व्यापारी तो अपने आप कहता है कि मेरा नाम चोर है, वो ना तो किसी को देगा। आज इस मंडी में अच्छा सा गबन करके कल दूसरी मंडी में चला जाएगा। अभी 4 दिन पहले की कहानी है, अभी बगरू के अंदर किसी ने 90 लाख रुपए का घोटाला किया। अच्छा, तो उस व्यापारी को भगाने में सभी किसानों का हाथ था। अच्छा, व्यापारी कभी नहीं भागना चाहता। ठीक है, हो सकता है उसका पैसा अटका हो या घाटा लगा हो, अगर सब लोग किसान चाहते तो वो व्यापारी कभी नहीं भागता और वो वापस से टिक के काम करता और धीरे धीरे रूटीन बना के, रनिंग बना के सबको दे देता। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि इसी मुहाना मंडी में भी ऐसा ही हो। हाँ, किसी की अगर आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब हो रही हो तो सबको जल्दी, किसी वजह से वो पैसा माल ले रहा है, खरीद रहा है, बेच के वो पैसा नहीं दे पा रहा, तो उसकी प्रॉब्लम सुनो, उसको टाइम दो, सर्टिफाइज करो, तो अपने आप आपको सबको देगा, थोड़ा थोड़ा करके दे देगा। बाकी 100 बातों की एक बात है, वक्त खराब होता है, इंसान खराब नहीं होता है सर। इंसान कभी चोर बन के थोड़ी आता है, चोर अपन बनाते हैं। बिल्कुल, चोर मैं आपको बनाऊंगा, आप कभी चोर बन के नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल, तो दुनिया चोर बनाती है, हम लोग चोर बनाते हैं। बहुत बढ़िया, बस यही है मेरी सब आरती भाइयों से यही विनती करता हूं मैं, सबको सपोर्ट करके चलो। तो सर अपना कांटेक्ट नंबर बताएं ताकि कोई अगर बेयर वगैरह से। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7611927629। चलो, रामी एंड कंपनी, ये मेरी फर्म है। धन्यवाद। पहले चोमू से व्यापार करता था। अच्छा जी, अब मुहाना मंडी में आढ़त का काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, चलो जी, धन्यवाद सर।